दस ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इतिहास में अपने आप को मर के भी आज जिंदा साबित करते हैं, जो इतिहास बीत गया उसके साथ साथ आज के जो दौर चल रहा है उसमें हमेशा वैसे वैज्ञानिकों को सदैव याद किया जाता रहता। मजबूत भारत बने और हमारे भारत में कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी ना हो जो हमारे भारत को ना हो। तो आज में पहला जो राष्ट्रपति है और देश के महान वैज्ञानिक जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बोलते हैं। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न वही व्यक्ति को मिलता है कोई अपने देश के प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उसे भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पद यानी कि उसे बोलते हैं भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1974 में भारत द्वारा सबसे पहले मून परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णयजनक संगठन तकनीक और राजनीतिक भूमिका निभाई थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस देश में बहुत सारे ऐसे ऐसे मिसाइलों का आविष्कार किया जो कि मुमकिन नहीं था। दूसरे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ CNR राव। दोस्तों CNR राव 30 जून 1934 को वर्तमान कर्नाटक के बंगलौर में उसका जन्म हुआ था। लीजन ऑफ ऑनर पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, यानी कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जिसे बोलते हैं भारत रत्न होता है, भारत रत्न से CNR राव को सम्मानित किया गया था। उन्हें सन 1974 में पद्मश्री और सन 1985 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए थे। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो तीसरा नंबर पर है जीव माधवन नायर। 31 अक्टूबर 1943 को केरल का जन्म हुआ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंस्थान ISRO के प्रमुख रहे। इसके अलावा 6 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने 25 सफल मिशन पूरे किए, जिनमें चंद्रयान 1 भी शामिल है, जिसे अंतरिक्ष पर जाने वाले विमान जिसे बोलते हैं चंद्रयान 1। वर्ष 2009 में वे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद मैं बात करूं चौथे नंबर पे तो राकेश के जैन, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। श्री जैन को ट्यूमर बायोलॉजी में महारत हासिल है, उन्होंने 600 से अधिक शोधों में अपना योगदान दिया है। बात करूँ पाँचवें नंबर पर तो डॉक्टर के राधाकृष्णन, 19 अगस्त 1999 को भारत के केरल में इसका जन्म हुआ था राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1970 में केरल विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपना कार्यकाल 1971 में विक्रम साराभाई एक्सप्रेस सेंटर से शुरू किया था। उन्होंने इसरो के अध्यक्ष रहते हुए GSLV के लिए स्वदेशी कार्योजनिक इंजन और मंगलयान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया था। अंतरिक्ष विज्ञान के योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण 2014 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में इसकी देखरेख में ही चंद्रयान और मंगलयान अंतरिक्ष में भेजे गए थे, यानी कि जो सैटेलाइट के द्वारा चंद्रमा यानी कि कोई ग्रह के पर जो खोज कोई होती है सो डॉक्टर कृष्णन के द्वारा के देखरेख में हुआ था इससे पहले। AS किरण कुमार वर्तमान में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के अध्यक्ष है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान, भूमि महासागर वातावरण और ग्रहों से जुड़े शोध में अपना विशेष योगदान दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सातवें नंबर पे तो सातवां नंबर पर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, विज्ञान में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण तथा पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, यानी कि कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। देश के गिने चुने और महान वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। करूँ तो आठवां नंबर पे है उडप्पी रामचंद्र राव, 10 मार्च 1932 को कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था। राव जी को
वैज्ञानिक में बहुत इसका योगदान है। ये लंबे समय तक भारतीय विज्ञान की सेवा करते रहे और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। ये पुरस्कार की अगर बात करें तो पद्म विभूषण 1976 में मिला था उन्हें। अगर मैं 99 पर बात करूँ तो सतीश धवन 25 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में इसका जन्म हुआ था। श्री सतीश धवन भारतीय अतिरिक्त कार्यक्रम के प्रतियोगिताओं में से एक थे। ये भारतीय विज्ञान स्थान के 20 वर्षों तक जुड़े रहे। विज्ञान के प्रति इन्होंने योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार 1971 में सम्मानित किए गए। इसकी सर्व प्रमुख वैज्ञानिक खोज ध्वनि की तेज रफ्तार की इन्होंने खोज की थी। अगर मैं 10वें नंबर पर बात करूँ तो वेंकट रमन राधाकृष्णन का जन्म 1952 में तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने 2009 में रासायनिक विज्ञानों के नोबेल पुरस्कार से इन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता था, भारत के 10 महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसा योगदान दिया जो आज मर के भी जीवित है और भारत के इतिहासों में सदा भी इनका नाम लिया जाए। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।